तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पर, ब्रश करेंगे। और अभी बज गया है 9। मैं अभी आधा घंटा पहले ही उठा था और ब्लॉग को एडिट कर रहा था, तो आधा एडिट हुआ है, फिर इसके बाद मैंने सोचा ब्रश कर लूँ। ब्रश हो गया है, चलिए अब नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय बना रहे हैं हमारे मामा श्री, चाय के साथ टोस्ट खा रहे हैं हम सभी लोग, इन्होंने खा लिए लगता है। भाई मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और अब सीधे काम में चलेंगे खाना खा के। तो भाई लोग, मैं निकल गया हूँ काम के लिए, बलराम भाई छोड़ने के लिए जा रहा है। बलराम भाई ने मुझे छोड़ दिए हैं कंपनी पर, सो मैं आ गया हूँ। ये गुरु भैया की गाड़ी खड़ी हुई है, ये देख क्या लिख रहा है, आई लव यू, आई लव यू लिख रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर है, ये सिस्टम है यहाँ पर बैठने का, जिनकी कंपनी है वो भैया बैठते हैं। और ये है हमारा पोहा का ब्रांड, जिसको हम ले जाते हैं बेचने के लिए सौभाग्य। इसके पैकेट भी हैं, पैकेट दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए सौभाग्य पोहा, प्रीमियम क्वालिटी का पोहा है, बढ़िया। ये देखिए, और मुरमुरा भी है, मुरमुरा की आपको बोरी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बेस्ट क्वालिटी मुरमुरा। सो इस तरीके से है, पीछे का भी टूर कराता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा स्टॉक रखा हुआ है, और पीछे साइड मशीन है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। समझ लीजिए कि आज का कंपनी टूर हो गया, ये कंपनी में जो पोहा बनता है उसका टूर करा रहा हूँ मैं। पीछे से चलते हैं, सामने से ऊपर से चेक के जाना पड़ता है, पीछे से बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, सो वो गेट से चलते हैं हम। आ गए हैं अंदर, ये देखिए पैकिंग हुआ पोहा जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है पूरा। और ये है बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें पोहा बनकर तैयार हो जाता है। और गुरु भाई थोड़ा बहुत बताओ यार, यहाँ इसके बारे में कुछ बताओगे आप, बताओ यार। नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं। क्यों नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बताओ कुछ बताओ, ये कौन सी मशीन है, ये वाली? नो 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 नो। ये तो मुझे भी पता नहीं भाई, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है काम होते हुए। मुझे इतना पता है कि ये वाली मशीन के बारे में कि ये पोहा बनाती है। और हमारा जो मुर्रे का काम है ये पूरा भट्टी से होता है। सो इस तरीके से है, यहाँ पर भी कुछ मशीनें रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर पूरा बोर्ड लगा हुआ है। सो भाई लोग, हम जा रहे हैं अभी कुरई सीधा। सो अभी हम कुरई के फॉरेस्ट में हैं, ये देखिए ये पूरा फॉरेस्ट है। वो मेरे साथ छोटू आया हुआ है बेयर हाउस से, और अभी हम जा रहे हैं कुरई, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी हम कुरई की मोड़ पर हैं। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए भाई लोग, ये है कुरई का फॉरेस्ट, बैच नेशनल पार्क जो जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और कुरई वो दिख रही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और ये सिक्स वे बनी हुई है, पूरे ब्रिज बने हुए हैं इसमें, ये देखिए सिक्स लाइन है, तीन इस साइड तीन उस साइड। सो इस तरीके से है दोस्तों, फॉरेस्ट की जगह में बहुत बढ़िया लगता है मौसम। और ये है हमारी गाड़ी, सो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। जो मार्केट है पूरा बंद है, क्योंकि आज संडे है, तो हमें पता नहीं था और हम पूरा ही आ गए। तो यहाँ कोई भी किराना दुकान नहीं खुली है, तो अभी वापस जाना पड़ेगा, देखते हैं दूसरे दिन का टूर बनाएंगे कभी और का। अब जाते समय देख लेते हैं किसी और साइड से चलेंगे, तो उस साइड देख लेंगे, पोहा बेचते हैं। Thank you.
रास्ता घर, और किस्सू भैया की सेविंग बनवाने आए हैं हम लोग। ये देखिए तो भाई लोग, किस्सू भैया यहाँ पर बनवा रहे हैं सेविंग, तो मैं आगे चले जाता हूँ। हमने गेहूँ भी लेकर आए थे, तो गेहूँ को पिसवाना था, तो उसे मैं पिसवा लेता हूँ जब तक उनकी सेविंग भी बन जाएगी। किस्सू भैया की सेविंग हो गई, कैसा लग रहा है अब? अच्छा, आज बना हुआ है पालक चावल और सभी लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। सो गाइस, मेरा खाना हो गया है और मैं हूँ अभी विशाल भाई के रूम में बैठा हूँ। तो विशाल भाई पढ़ाई कर रहे हैं और इस साइड बलराम भाई का खाना बन रहा है, पुलाव बना रहे हैं लगता है आज। क्या पढ़ रहे हो? अरे कुछ नहीं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। अरे वाह यार, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं भाई साहब। क्यों बलराम भाई, क्या पढ़ रहे थे आज? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा जॉब जीके देख रहा था और ट्रेडिंग वगैरह के बारे में। हाँ, सो भाई लोग, नाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, सो अभी सोते हैं। बरसात हुई है तो उसके कारण ठंड लग रही है, सो स्वेटर पहन लिए थे हम लोगों ने। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।